अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल होम टिप्स। तो प्यारे दोस्तों, इस चैनल में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, तो वीडियो पूरी वॉच किया करें, वीडियो स्किप ना किया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो। तो ये सिलाई मशीन की मोटर है, तो इसका फॉल्ट कुछ इस तरह से है कि ये कभी चल जाती है, कभी बंद हो जाती है। तो आज हमने इसका फॉल्ट ट्रेस करना है। 150 वाट की है कॉपर में, तो चेक करते हैं इसे कि आया मोटर में कोई ख़राबी है या कोई इसके पैडल स्विच में ख़राबी है कोई। 7500 RPM है इस मोटर के। तो ये किसी कस्टमर की है, तो वो बता रहा था कि अक्सर खराबी आ जाती है इन मोटरों में। वो बता रहा था कभी चल जाती है तो कभी बंद हो जाती है। तो मेरे पास आज लाइट नहीं, तो मैं आज ना इस मल्टीमीटर से इसे चेक करूँगा क्या है, इसे क्या मसला है। तो इसके ये तीन पॉइंट हैं, तो सेंटर वाला पॉइंट जो है वो फ्री है, वो तो साइड के पॉइंटों पर चेक करना है हमने। इसके ऊपर ना हल्की सी कार्बन लगी होती है, तो कार्बन उतार लेनी है। ये देख लें, मैं चेक करता हूँ रीडिंग आती है कि नहीं। रीडिंग तो आ रही है, तो मोटर ठीक लग रही है। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। बिजली है नहीं मेरे पास आज, तो लाइट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो वैसे तो ठीक लग रही है, चलो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि फॉल्ट क्या है इसमें। तो वीडियो यार आपके लिए बनाई जाती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं और पहुंचे उन तक। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने ना कार्बन निकाल ली है खोल के से, कैप ओपन कर ली थी मैंने, तो कार्बन तो ठीक लग रहा है। दूसरा कार्बन भी चेक कर लेते हैं कि वो भी ठीक है कि नहीं। ये तो ठीक लग रहा है, तो ये बस छोटा सा फॉल्ट ही होता है कोई ना कोई, तो आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो आप ख़ुद ही से ठीक कर सकते हैं ये वीडियो देखकर। ये भी कार्बन ठीक है, ये देख लें। तो मोटर तो मेरे ख़्याल से ठीक है, फिर भी एक दफ़ा चेकिंग कर लेते हैं इसकी। अगर ना हुई तो फिर दोबारा खोलनी पड़ेगी, मोटर में फॉल्ट है या पैडल स्विच में फॉल्ट है। देखने में तो सब भी ठीक लग रहा है। अच्छा दोस्तों, ये ना शाफ्ट नज़र आ रही है, इस पर ना थोड़ा सा आयल वगैरह लगा लिया करें। इसके अंदर बुश होते हैं दोनों साइडों में हल्का हल्का, बस एक दो ना कतरे लगा लिया करें इधर। ये देख लें, ये पुली के पीछे भी जहाँ बेल्ट लगता है और बैक साइड पर भी। और इससे ये होता है लाइफ ज़्यादा हो जाएगी मोटर की, और आवाज़ भी नहीं आएगी, ख़राब जल्दी नहीं होगी। अब इस पैडल को खोलते हैं, इसे चेक करते हैं कि इसमें तो नहीं कोई मसला कोई। ये मैंने जोड़ चेक कर ली है, पहले ही जोड़ ठीक है, जोड़ में मसला नहीं लग रहा। मोटर भी ठीक लग रही है। अब पैडल चेक करते हैं, पैडल में तो नहीं मसला कोई। इधर से ओपन करना है आपने, ये देख लें, ये दो पॉइंट हैं। इस साइड से ओपन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ना ये इंसल्ट की हुई है उन्होंने। ये देख लें, पतरियाँ सी बाहर निकली हुई हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये देख लें, मैंने उठा लिया आसानी से। इसे खोलने के बाद चेक करते हैं, काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई है, देख लें। अंदर से भी सब कुछ ठीक ही लग रहा है, कोई जली वगैरह चीज़ भी नहीं है कोई। देखने में सब ठीक लग रहा है, पैडल भी सही वर्क कर रहा है, पता नहीं अब मसला क्या है। अच्छा जी, ये देख लें, ये जनाब ये फॉल्ट ट्रेस हो गया। ये देख लें, ये इसका मेन पॉइंट है। तो इसके जो छोटे छोटे वो स्क्रू से लगे हुए हैं ना, नट बोल्ट वगैरह, वो लूज़ हो गए हैं, अंदर कार्बन है। और इसके लूज़ होने की वजह से ना वो कार्बन से वो मेन पॉइंट, ये देख लें, टकरा नहीं रहा, काफ़ी फ़र्क आ रहा है अंदर। तो यही फॉल्ट लग रहा है मुझे, तो यही फॉल्ट है। ये देख लें, ये जस्ट आगे को आ गई थी, ये सुराख बने हुए हैं ना जो,
ये देखें, ये देखें, ये आगे जब आ जाते हैं तो फिर साथ अटैच नहीं हो रही, अंदर इसके कार्बन होता है इसके अंदर। तो ये कंपनी ने जब भी उनसे ख़रीदी है, उन्होंने चाइना की मोटर है ये, उन्होंने फिटिंग नहीं अच्छे तरीके से की मेरे ख्याल से, तो चलने की वजह से ये खुल गए हैं। तो बस इतना सा फॉल्ट है मेरे ख्याल में। तो इसे टाइट करके देखते हैं, आया ये साथ कार्बन के साथ लग जाता है कि नहीं पॉइंट, ये देख लें पीछे किया है तो ठीक हो गया है। इसे टाइट करते हैं। तो यार ये आपका अपना चैनल है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचे सबसे पहले। तो ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और अगर आपके घर में भी कुछ चीज़ कोई फॉल्ट आ गया किसी चीज़ में, तो आप उसकी वीडियो बनाएं, मुझे व्हाट्सअप करें और मैं उस वीडियो पे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको फॉल्ट का भी पता चल जाएगा और आप अपने घर में ही अपनी चीज़ ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी के साथ। तो ये देख लें मैं इस स्क्रू को टाइट कर रहा हूँ। तो यार लाइट की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इधर ना हमारा ट्रांसफॉर्म ख़राब हो गया जिस वजह से ना मैं आज लाइव चेक नहीं करवा सकता आपको। ये देख लें ये पॉइंट बिल्कुल साथ लग रहा है अब इसके। तो मसला यही था कि कभी वो बता रहा था कि ओके हो जाती है मशीन, ऑन हो जाती है, कभी नहीं होती। तो मोटर ओके है, इस पैडल में फ़र्क था। ये देख लें तो फॉल्ट जनाब ओके हो गया, ये दो स्क्रू टाइट करने की वजह से। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने पैसे ज़ाया होने से बचा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो यार इसे लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट्स में बताना कि वीडियो अच्छी लग रही है आपको कि नहीं। ये देख लें ये एडजस्ट है इसकी, अगर पैडल ज़्यादा डाउन करेंगे ना इसे तो पैडल ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो अभी नया था। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, वीडियो वॉच किया करो पूरी, वीडियो स्किप ना किया करो ताकि आपको फॉल्ट का पता चल सके। तो इंशाल्लाह ताला अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।